प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम के बबीता है। मैं TSMS कुंडापाक में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कुछ फलों के नाम सिखाने वाली हूँ। फल, फल यानी क्या? जो पेड़ों को लगते हैं उन्हें हम तोड़ के खाते हैं, है ना। देखिए, आज मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ फल लाए हैं। ध्यान से देखिए, ये फल आप सभी जानते हैं। इसे तेलुगु में क्या कहते हैं वह भी आप जानते हैं, है ना। लेकिन इनको हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं एक फल उठाकर आपको बताऊंगी, उसका नाम आप तेलुगु में बताओगे, फिर मैं उसका नाम हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन सा फल है? ये फल कौन सा है? बिल्कुल सही, ये इस फल को हम तेलुगु में मामिड़ पंडू कहते हैं, है ना। इस मामिड़ पंडू को हिंदी में आम कहते हैं। आम बहुत रसीला होता है, स्वादिष्ट होता है, यह हमें गर्मी के मौसम में खाने को मिलता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आम कहते हैं, आम। अब मैं दूसरा फल बताती हूँ। देखिए, ये फल भी आप जानते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है ना। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे तेलुगु में क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दीनी जाम पंडू कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं हम? जाम पंडू। इसी को हिंदी में अमरूद कहते हैं, यानी जाम फल भी कहते हैं और अमरूद भी कहते हैं। यह भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। दूसरा फल, अब मैं आपको तीसरा फल बताती हूँ। ये फल कौन सा फल है? देखिए, ध्यान से देखिए, इसका हम शरबत भी करके पीते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तेलुगु में इसे निम्मा पंडू कहते हैं, लेकिन हिंदी में पता है क्या कहते हैं? नींबू। क्या कहते हैं? नींबू कहते हैं। यह भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी कोरोना के समय में यही एक ही अच्छा मेडिसिन है, जिससे हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यह भी, इसको हम तेलुगु में निम्मा पंडू कहते हैं, हिंदी में नींबू कहते हैं, नींबू के। अभी चौथा फल है, आपको चौथा फल बताती हूँ। ये फल कौन सा है? देखिए, पहचानिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसे दोसकाया कहते हैं, ना। तेलुगु में क्या कहते हैं हम? दोसकाया। इसी को हम हिंदी में खीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खीरा। गर्मी के मौसम में अगर ये खाओगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, ठंडा रहता है सेहत के लिए, इसलिए इसे गर्मी के मौसम में हम ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अभी गर्मी के मौसम है, इसीलिए मेरे पास पूरे गर्मी के मौसम में जो फल मिलते हैं बाहर बाजार में, वही आप लोगों को बता रही हूँ मैं, ठीक है। यह खीरा है, खीरा, ठीक है। अभी मैं आपको पांचवा फल बताती हूँ। देखिए, मेरे सामने ये बड़ा वाला फल है। ये कौन सा फल है? तेलुगु में क्या कहते हैं इसे, बताइए। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसे हम पुच्छकाया भी कहते हैं और तरबूजा भी कहते हैं, है ना। हिंदी में भी इसी को तरबूजा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज। क्या कहते हैं हिंदी में? तरबूज कहते हैं। इसे भी गर्मी के मौसम में खाओगे तो पानी बहुत भरा हुआ होता है इस फल में, तो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए हमें इसे गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को इन पांच फलों के नाम हिंदी में क्या कहते हैं अभी मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आज आपको इन पांच फलों के नाम अच्छे से याद हो गए हैं। ये है आम, ये है अमरूद, ये है नींबू, ये है तरबूजा, ये है खीरा। ऐसे पांच फलों के नाम हमने हिंदी में जाना, सीखा, है ना। आज आपका होमवर्क, गृह कार्य ये है कि यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र में फल दिखाई दे रहे हैं,
आम तो मैंने बताया, लेकिन बाकी के ये चार फल जो है, इन चार फलों के नाम आपको जानने हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं जानना है, और उनके नाम अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर रखना है, ठीक है। अब मैं आपको फलों के बाद फूलों के नाम सिखाऊंगी, ठीक है। इनको तेलुगु में क्या कहते हैं आप सब जानते हो, फिर भी आप मुझे उत्तर देना है। देखिए मैं एक एक फूल को आपको बताऊंगी, उनके नाम आप तेलुगु में बताओगे और मैं आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं बताऊंगी। इस फूल को तेलुगु में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, भी गुलाबी पुव्वु है ना, इसको हम हिंदी में गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाब। तेलुगु और हिंदी में बहुत से नाम एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ थोड़े बदलाव दिखाई देते हैं हम लोगों को। इसको क्या कहते हैं? गुलाब। और तेलुगु में क्या कहते हैं? गुलाबी पुव्वु है ना, गुलाब का फूल है ये, ओके। अब मैं आपको दूसरा फूल बता रही हूँ, इस दूसरे फूल को पहचानिए, क्या कहते हैं इसे तेलुगु में? जी बिल्कुल सही कहा, ये मंदारम पुव है ना। ये मंदारम पुव को हिंदी में गुड़हल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़हल, गुड़हल का फूल है ये। तीसरा फूल देखिए, ये फूल आप जानते हैं है ना, भगवान को चढ़ाते हैं, फूल सभी भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन यह सबसे स्पेशल रहता है। इसको तेलुगु में क्या कहते हैं? स्वस्तिक है ना, हिंदी में भी इसी को स्वस्तिक फूल, तेलुगु में स्वस्तिक फूल कहते हैं तो हिंदी में स्वस्तिक का फूल कहते हैं, ओके। ये क्या है? स्वस्तिक का फूल। इस फूल को क्या कहते हैं? हाँ ये तेलुगु में हम इसे मल्ले मोगलू, मल्ले पुव्वु कहते हैं ना। मल्ले फूल को हिंदी में चमेली के फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चमेली के फूल, बहुत सुगंधित होते हैं है ना, तो इसको मल्ले फूल को हिंदी में चमेली के फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चमेली का फूल। अब उसके बाद है ये फूल, देखिए ये सब जानते हैं इसको, तेलुगु में इसे क्या कहते हैं? गनेर पुव्वु है ना, गनेर फूल कहते हैं। इसे हम हिंदी में कनेरी का फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेरी का, गनेरी का नहीं, कनेरी का, का। तो ये है कनेरी का फूल। उसके बाद है ये नंदीग्राम कहते हैं है ना, तो हिंदी में भी इसे नंदीग्राम के फूल ही कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आपने इन फूलों के नाम, देखिए ये फूल कौन सा है, इंग्लिश में इसे वाटर लिली कहते हैं, तेलुगु में भी लिल्ली पुव्वु अंटर खरा, उसको क्या बोलते हैं? लिल्ली पुव्वु। इसको हिंदी में भी लिली फूल ही कहते हैं, इसको लिली फूल कहते हैं। इस प्रकार जो है फूलों के नाम ज़्यादातर तेलुगु और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बदला होता है ना। इस तरह से आपने छह फूलों के नाम जाने हैं, गुलाब, कनेर, स्वस्तिक, चमेली, गुड़हल, लिली, नंदीग्राम। इस प्रकार आपने छह फूलों के नाम मैंने आपको सिखाए। अब आपको इन छह फूलों के नाम याद रखने हैं, और बाकी के ये तीन फूल जो है यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहे, उनके नाम जानकर उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है। गुड़हल, गुलाब और वाटर लिली, इन तीनों के नाम मैंने आपको बताया है। बाकी के तीन जो फूल है उनके नाम आप जानेंगे, पहचानेंगे और अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सब्जियों के नाम, ओके ठीक है। इसे तेलुगु में क्या कहते हैं? हाँ इसको कैप्सिकम कहते हैं है ना। ये कौन सा सब्जी है? कैप्सिकम। इसको हम हिंदी में शिमला मिर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला मिर्च कहते हैं है ना। अब दूसरा है ये, इसको हम तेलुगु में क्या कहते हैं? टमाटा है ना, इसको टमाटा कहते हैं, हिंदी में टमाटे, इसको क्या कहते हैं? टमाटे कहते हैं। अब इसके बाद ये, इसको हम तेलुगु में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा, उल्ली गड्ढा है ना,
यह है उल्ली गड्ढा, उल्ली पायलो भी बोलते हैं। इसी को हम हिंदी में प्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याज कहते हैं। इसे तेलुगु में आलगड्ढा कहते हैं, है ना। तो हिंदी में हम इसे आलू कहते हैं। आलगड्ढा को हम हिंदी में आलू कहते हैं। उसके बाद है ये, इसको तेलुगु में क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं, सबका फेवरेट है ना। क्या है ये? बेंडकाया, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बेंडकाया। बेंडकाया को हिंदी में भेंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेंडी। उसके बाद है ये, बहुत तीखा होता है। क्या कहते हैं इसको तेलुगु में? मिर्पकाया, है ना। इस मिर्पकाया को हिंदी में हरी मिर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी मिर्ची कहते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज पांच सब्जियों के नाम बताए। एक है शिमला मिर्च। क्या है? शिमला मिर्च। प्याज, प्याज। आलू, आलू। टमाटर, टमाटर। हरी मिर्च, हरी मिर्च। भिंडी, भिंडी। ओके, ठीक है। इस प्रकार हमने पांच सब्जियों के नाम जाने हैं। अब आप लोगों को घर पे और कुछ सब्जियों के नाम लिख के लाना है, जानना है। जो मैंने यहाँ पर बताती हूँ, देखिए, मैंने आलू बताया, शिमला मिर्च बताई, टमाटर बताई, बाकी के मिर्च भी बताई, बाकी के ये जो चार चित्र है, इन चार चित्रों के जो सब्जियां हैं, उन सब्जियों के नाम जानना है और अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने हैं। आशा करती हूँ मैंने आपको जो भी सिखाया है, फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, सबको अच्छे से याद रहा होगा। और जो भी गृह कार्य दिया है उसे भी आप घर पर पूरा करेंगे। इस आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।